और इख्तलाफात की बात हो रही है, याद रखिएगा मुसलमान भाई से कलिमा गो के पहले भी मुत्तफिक थे, आज भी मुत्तफिक है, कयामत तक मुत्तफिक रहेंगे। इख्तलाफ की बात करना ये खुद भी मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी की अलामत नहीं है, इसलिए कि इल्मी इख्तलाफ ये खत्म कैसे हो सकता है? दलील और कुव्वत की बुनियाद पर, इस्तेदलाल की बुनियाद पर, उलमा के दरमियान इख्तलाफ जो हो सकता है वो उनकी अपनी राय की बुनियाद पर है, दलील से इफ़हाम और तफ़हीम की बुनियाद पर है, लेकिन इसके बावजूद मुश्तरका कदरों के लिए इख्तलाफ के बावजूद सुन्नी सुन्नी रहेगा, शिया शिया रहेगा, मगर बात आती है शरीयत मुतहरा पर हमला करने की तो शिया देखकर कोई सुन्नी ये नहीं कहेगा कि मसला शिया का है मैं क्यों आऊंगा, या सुन्नी का है शिया कहेगा मैं क्यों आऊंगा, नहीं, बात करिए कई बात की आती है तो अपनी तमाम तवानाइयों को सर करने का जज्बा रखता है। और सरकार को नाखुश करने वाले, साजा गरीब मुआज को नाखुश करने वाले, मौसम पाक को नाखुश करने वाले शरीयत बचा सकेंगे? बोलो भाई, बता सकेंगे? खाजा को राजी करेंगे तो शरीयत बचेगी। बाबरी मस्जिद को बचाया, बाबरी मस्जिद को हासिल किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मौका हासिल किया। किधर बात कर रहे हैं, अगर मैं सियासत में उतर जाऊं तो फर्क से उड़ा दूं। हाँ, क्या मुस्लिम पर्सन अल्लाह, क्या शरीयत, गुस्ताखों में बैठकर मुस्लिम पर्सन अल्लाह शरीयत नहीं बचाई जा सकती। गौसो खाजा के चाहने वाले शरीयत को तहफ्फुज़ कर सकते हैं और मुस्लिम पर्सन अल्लाह को बचा सकते हैं। आप भी खबरदार हो, सुन्नी मुसलमानों, मीलाद मनाने वाले ही शरीयत का तहफ्फुज़ कर सकते हैं। मीलाद के मुनकिर, मीलाद को शिर्क कहने वाले, खड़े रहकर सलाम पढ़ने वाले को शिर्क कहने वाले, या खाजा को शिर्क कहने वाले, या गौस को खुशी करने वाले, बताओ। अरे सुनो भाई, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये क्या धोखों में आ गए मौलवियों के? ये मौलवी घटा रहे आपको, आपका ईमान क्या बचाएंगे? खुद इनका ईमान नहीं है सही सलामत। ये इख्तदार के भूखे, ये साहब इख्तदार की जूतियां उठाने वाले, तुम्हारा तहफ्फुज़ शरीयत, तुम्हारी तहफ्फुज़ ईमान क्या करेंगे?